हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे MDM टेक टू विजन में मनोज पटेल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के पास का टॉपिक मेरा है, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये SMPS है, पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई DD3D जिसका ये पावर सप्लाई, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा कंपोनेंट जो लगा हुआ है, ये पूरा कंपोनेंट की डिटेल माहिती आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप नए हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं लेके आऊँ इसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो को आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप पहले से मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख लीजिए, पहले आपको यहाँ से ये SMPS है, SMPS का यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पे क्या है लगाने, आपका पावर कोड लगाने, मेंस कोड वायर लगाने का है आपको, या इधर से मेंस कोड वायर लगाएंगे। इसके बाद ये अपना फ्यूज है, तो फ्यूज ही पहले आपको देख लेना है, फ्यूज AC में लगता है, AC का पावर जहाँ पे फ्यूज लेते हैं आप, तो यहाँ पे छोटा सा एक फ्यूज लगा हुआ होता है, फ्यूज का कितना है वो 500 mA तक ये फ्यूज हमारा लगेगा। तो इसमें से मैं फ्यूज डाल देता हूँ। फ्यूज कैसे चेक करते हैं पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में आपको रखना है, तो कंटिन्यूटी रेंज में रख के आप ये दो टर्मिनल मल्टीमीटर से आपको यहाँ पे देख, यहाँ पे जो बीप सुनाई दे पड़ रही है, बीप सुनाई दे पड़ रही है, यहाँ से इसका कनेक्शन है, ये फ्यूज हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे बीप सुनाई दे रही है, तो ये हमारा फ्यूज सही है। तो पहले पावर से कहाँ पे जाएगा, ये फेज वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से इसका ट्रैक सही है, इधर से इधर जाएगा। तो मल्टीमीटर से पहले हमने आपको बताया कि फ्यूज कैसे चेक करते, फ्यूज यहाँ से कंटिन्यूटी होनी चाहिए, देख लीजिए पीछे वाला भाग में बताता हूँ, यहाँ से ये फेज, यहाँ से इसका ट्रैक है, ट्रैक हो गया यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से ये पूरा फ्यूज का कनेक्शन, फ्यूज यहाँ से पावर आ गया, यहाँ से कहाँ पे जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे ये ट्रैक जा रही है, ये ट्रैक कहाँ जाएगी, यहाँ पे ये छोटा सा कैपेसिटर है, ये पावर कैपेसिटर है। तो पावर कैपेसिटर इसको चेक करते हैं, पहले शॉर्ट नहीं है, तो मल्टीमीटर से ये दोनों प्रोब से यहाँ पे इसका दो टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल को आपको यहाँ से चेक करना, ये शॉर्टिंग नहीं है तो सही कैपेसिटर है, ये शॉर्ट बताएगा, कंटिन्यूस हो गया, कैपेसिटर खराब हो गया। इसके इधर इसका दूसरा टर्मिनल है, ट्रैक से दूसरा टर्मिनल कहाँ पे जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा एक छोटा सा आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये छोटा सा क्या है, कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, आपको पहले समझ देता हूँ, ये छोटी सी कॉइल है और ये ट्रांसफार्मर है, ये कॉइल, इसमें कंटिन्यूटी शो करेगा, इन कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा क्योंकि इसका दो टर्मिनल है, इसमें जाएगा दूसरा टर्मिनल इधर आएगा। तो हम कहाँ पहुँचे थे पहले यहाँ से देख लेते हैं, तो हम यहाँ से इस कैपेसिटर थ्रू हम जाएंगे, ये हमारा कॉइल है, तो इस कॉइल का टर्मिनल इस तरह शॉर्टिंग हो, यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो क्या सपोर्ट इसका वायरिंग बीच में से कट गया है, और दूसरा वाला टर्मिनल कहाँ से आया, ये वाला टर्मिनल कहाँ पे गया, इसमें गया, ये वाला टर्मिनल फ्यूज में गया, फ्यूज में से कहाँ पे गया, कैपेसिटर में से ये कॉइल पे आया, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस कॉइल पे, देख लीजिए ये दूसरा वाला टर्मिनल है, ये वाला कैपेसिटर में गया, इसका ये टर्मिनल फ्यूज में गया, फ्यूज में से ये यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉइल है, ये भी कॉइल है, तो ये आपको ट्रांसफॉर्मर मत समझना है, ये कॉइल है, यहाँ पे शो करो होगा F2A 250 volt, L का मतलब होता है इंडक्टर, तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, F का मतलब होता है इंडक्टर, या इंडक्टर बोले कॉइल है, तो ये हमारी कॉइल का कनेक्शन कहाँ पे गया, ये डायोड पे आ गया। तो पहले देखेंगे हम डायोड, रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ये IN4007 डायोड लगा, इसमें IN4007 का सभी चार डायोड लगा हुआ है, तो इसको डायोड को पहले चेक करते हैं। मल्टीमीटर को आपको डायोड की रेंज में रखना है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा ये मल्टीमीटर डायोड की रेंज में रखने, देखने से हम पहले बताएंगे, तो ये हमारा आपको यहाँ पे डायोड में रखना है, पहला रिंग वाला जो भाग है, तो रिंग वाला भाग है वो कैथोड है, इसके सामने वाला भाग एनोड है, इस सब में रिंग वाला भाग कैथोड है, इसके आगे ऑपोजिट साइड एनोड है,
कैथोड है, एनोड है, कैथोड एनोड है। रेक्टिफायर बनाने के लिए इस पावर सप्लाई में चार डायोड का यूज़ किया हुआ है। तो पहले डायोड रिंग वाला भाग कैथोड है, तो मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम कैथोड के साइड कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल मल्टीमीटर का एनोड के साइड कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, देख लीजिए ऐसे ही कनेक्ट कर, इसको मैं प्रॉप को चैन कर देता हूँ। चैन करने से देख लीजिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, तो डायोड हमारा सही है। एक साइड इसकी रीडिंग रेजिस्टेंस बतानी चाहिए, एक साइड रीडिंग रेजिस्टेंस नहीं बतानी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो रिवर्स बायस काम नहीं करता, तो इस तरह रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। इसको प्रॉप चैन करने से रेजिस्टेंस शो करेगा, देख लीजिए। अब दूसरा डायोड हम चेक कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस शो एक साइड नहीं कर रहा है, दूसरी साइड करेगा, तो अपना डायोड सही है, रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इसको दूसरा प्रॉब्लम टर्मिनल चेंज करने से सही है। आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा ये डायोड, एक डायोड का कैथोड, कैथोड मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है और एनोड में मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होने का है, 0-0 बता रहा है। तो 0-0 का मतलब होता है ये डायोड हमारा शॉर्ट हो गया है। आपको ध्यान से देखना है, ये डायोड शॉर्ट हो गया है तो आपको रेजिस्टेंस कुछ बता नहीं रहा है, 0-0 बताना है दोनों साइड से। दूसरे में रेजिस्टेंस शो कर रहा था, आपको दिखाई दे पर 0.502 बता रहा है, इसको चेंज करने से नहीं बताएगा, लेकिन इसमें 0-0 बता रहा है, तो ये डायोड हमारा शॉर्ट हो गया है। IN4007 मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखते तो रखने से आपको यहाँ पे बीप साउंड सुनाई दे पड़ रहा होगा। तो इस SMPS में ऐसे ही प्रॉब्लम आता है, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये डायोड शॉर्ट हो गया है। क्या करने का, आप ऐसे सर्किट SMPS रिपेयर करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। पहले 230 वोल्ट देते हो, 230 वोल्ट कहाँ कहाँ पे जाता है, तो इस सर्किट में SMPS में ये IN407 डायोड ख़राब हो गया है। तो ये डायोड ख़राब हो गया है तो आपको इसको चेंज करना है। चेंज करने से आप घर पे भी ऐसा रिपेयरिंग SMPS कर सकते हो। तो पहले बता दिया मैंने ये IN407 का ये डायोड चेंज करने से आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा सर्किट में। इसके बाद आता है एक रजिस्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टेंस की रेंज में रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे शो कर रहा है रजिस्टर्स, ये 100K का रजिस्टर है। आपको रजिस्टर चेक करना है, रजिस्टर जो आपको चेक करना नहीं आता तो आपके पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल में प्ले स्टोर में से रजिस्टर्स कैसे चेक कर, रजिस्टर्स एप्लीकेशन आती है, तो प्ले स्टोर में से आप रजिस्टर फाइल एप्लीकेशन एप्स डाउनलोड करके भी आप रजिस्टर की जैसा कलर दिखाई दे वैसा कलर आपको सिलेक्ट कर देना है अपनी एप्लीकेशन में। इसके बाद आपको पता चल जाएगा ये 1K का है, कौन सा किलो ओम्स का है, ओम्स का है या मेगा ओम्स का है। इसी तरह सब रजिस्टर्स आपको चेक कर देना है कलर कोड के हिसाब से, ऐसा ही नहीं तो आपको यहाँ पे ऐसा शॉर्टिंग बताएगा तो आपको समझ लेना है, नहीं तो मल्टीमीटर से भी आपको चेक कर सकते हो पूरा रजिस्टर। आप रजिस्टर मोबाइल में एप्लीकेशन थ्रू भी चेक कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा दूसरा डायोड है, तो दूसरा डायोड में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रखना है। एक बात फॉरवर्ड बायस बता रहा है, प्रॉप चेंज कर दिया मैंने, ये भी डायोड सही है। इस तरह सर्किट में SMPS जो भी लगा हुआ डायोड आप चेक कर सकते हो। चेक करते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपको रजिस्टर बताया तो इसको सर्किट में से निकाल के अच्छी तरह से चेक कर देता है। आपको मैं रिमाइंड करता हूँ कि आपको किसी भी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा डाउटफुल लगे तो इसको पहले शोल्डर से निकाल के आप एक बार चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे IC लगी हुई है, IC को ऐसे सब जगह शॉर्ट बताएगा, समझ लो IC खराब हो गई। तो ये IC खराब होने से भी ये हमारा डायोड शॉर्ट हो सकता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट, ये कॉइल शॉर्ट होने से भी डायोड खराब हो सकता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी डायोड हमारा खराब हो सकता है। तो डायोड खराब होने से शॉर्ट होने का कारण हमारा है ये IC शॉर्ट हो सकती है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मर भी शॉर्ट हो सकता है और एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। इसी तरह सभी को चेक करने के बाद अब नया डायोड आप डाल देना। तो आपने देख लिया ये कैपेसिटर,
ये आईसी, ये कैपेसिटर खराब होने से डायोड खराब हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, ये डायोड हमारा शॉर्ट हो गया है। ये पूरा मैंने इधर से इधर तक पूरा प्राइमरी सेक्शन मैंने आपको बताया, ये पूरा प्राइमरी सेक्शन है, ये पूरा हमारा प्राइमरी सेक्शन है, इधर से इधर तक पूरा सेकेंडरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है। सेकेंडरी सेक्शन को यहाँ से आपको पीछे शो कराएगा, ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से इस तरह यहाँ पे कनेक्शन है, ये प्राइमरी सेक्शन कनेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन कनेक्शन, दोनों को साथ जोड़ने के लिए आपको ये छोटा सा एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है, तो ऑप्टो कपलर का काम वही होता है, यहाँ पे जो भी ट्रांसमिट सिग्नल होता है यहाँ पे रिसीव होता है, तो ये ऑप्टो कपलर में आपको एक छोटी सी एलईडी लगी हुई होती है, आईआर एलईडी, इसके सामने ये दो टर्मिनल पे क्या लगा हुआ होता है, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो एससीआर, फोटो ट्रायोड, फोटो डायोड लगा हुआ होता है, और एक साइड एलईडी, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे इसका ऑप्टो कपलर का पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो ऑप्टो कपलर के पूरा डिटेल प्रिंसिपल के साथ। इसके साथ मैं दूसरा बता दूं आपको, यहाँ पे शो कर रहा होगा ये कैपेसिटर है, तो ये पहले कैपेसिटर आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी रेंज में रख के, ये शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन आपको ये शॉर्ट बता रहा होगा ये कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से क्या होता है वो आपको पहले देख लेता हूं, बताता हूं, बहुत अच्छा इसका पॉइंट है। ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से यहाँ पे जो भी पावर आ रहा है, तो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये सब इसका जो ग्राउंड बॉडी पे टच होगा, तो बॉडी पे टच होने से आपको अर्थिंग लगता है, आपको करंट लगता है। करंट क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ से जो प्राइमरी सेक्शन हमारा है, तो प्राइमरी सेक्शन में से सेकेंडरी सेक्शन में बीच क्या लगा हुआ है, ये हमारा पीएफ लगा हुआ है, तो ये पीएफ शॉर्ट होने से आपको डीडी फ्री सेटअप बॉक्स में ये पावर सप्लाई लगता है। तो डीडी फ्री सेटअप बॉक्स में ये पावर सप्लाई में ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से क्या होगा, आपको बॉडी को शॉर्ट लगेगा, करंट लगेगा, तो इसको जब आप टच करेंगे तो क्या होगा, करंट लगेगा। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से आपको करंट लग सकता है, तो इसको पहले आपको बदलना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों कि ये शॉर्ट होने से आपको सभी जगह शॉर्ट लगता है, करंट लग सकता है, तो इसको पहले आपको बदल देना है। ये ऑप्टो कपलर है, इसके साथ देखेंगे हम ये पूरा सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में ये पूरा प्राइमरी सेक्शन है, जिसमें फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे आईसी लगी हुई है, ये कैपेसिटर पावर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, ये छोटा सा पीएफ लगा है, ये पूरा सेक्शन हमारा है। इधर से प्राइमरी सेक्शन, ये सेकेंडरी सेक्शन, इसको बता मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जो पावर फ्लक्चुएशन होता है, पावर प्लस माइनस होता है, तो क्या होता है, ये कैपेसिटर खराब होता है, जो बड़ा वाला कैपेसिटर खराब होता है, इसको एक बार चेक कर देते हैं हम। तो कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आप भी यहाँ से देख सकते हो। तो कैपेसिटर जैसे शॉर्ट होगा, यहाँ से कंटिन्यू रेंज में देखते लिख दिए, ये कैपेसिटर जब शॉर्ट होगा तो होगा यहाँ पे कंटिन्यूस होगा, बीप बजेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, कंटिन्यूटी बीप बजेगा नहीं, जैसे बीप बजेगा तो क्या समझ लो आपका ये कैपेसिटर खराब हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे बजाएगा, मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस बताएगा, 0 0 बताएगा, तो क्या समझ लो आपको ये कैपेसिटर खराब है, इसको आपको चेंज कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये डायोड है, तो ये डायोड है, ये डायोड को पहले हम चेक करेंगे डायोड की रेंज में, मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रख देता हूँ मैं, अब ये सेकेंडरी में ये डायोड देख लीजिए, ये डायोड वन साइड फॉरवर्ड बायस, एक साइड रिवर्स बायस, लेकिन ये डायोड फॉरवर्ड बायस काम कर रहा है, ये डायोड हमारा रेजिस्टेंस सही बता रहा है, दूसरी साइड रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, डायोड हमारा सही है। इसी तरह सर्किट में लगे हुए सब डायोड आप चेक कर सकते हो दोस्तों। इस डायोड देख लीजिए, इस डायोड में यहाँ पे मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैं यहाँ कैथोड पे लगता हूँ, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगता हूँ, तो ये क्या बता रहे 156, इधर क्या बताए मैंने, क्या बोले एक साइड रेजिस्टेंस बताएगा, एक साइड रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, तो ये रेजिस्टेंस बता रहा है, इसको क्या करना है आपको निकाल देना है, निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, तो इसको मैं लाइव प्रूफ बताता हूँ, इसको निकाल के मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए अभी क्या बता रहा है, कैथोड का टर्मिनल नेगेटिव के साथ यहाँ पे
बता रहा है, लेकिन इसको प्रॉप चेंज करता हूँ फिर भी ये रेजिस्टेंस बताता है। तो ब्रायर का वही है, देख लीजिए ये रेजिस्टेंस कम बता रहा है, 0.500 ऐसा कुछ बताना चाहिए, 0.156 बता रहा है। तो इसको मैं पहले निकाल के आपको चेक करता हूँ, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको किसी भी कंपोनेंट आपको डाउटफुल लगे इसको पहले सोल्डर से निकाल लेना, सर्किट को ओपन करने के बाद ही चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये डायोड लगा हुआ था, ये डायोड मैंने यहाँ से निकाल दिया है, निकालने के बाद हम चेक करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड के साथ लगाते थे हम, ऐसे ही इसको नेगेटिव के साथ लगाएंगे, देख लीजिए। और इसका ये वाला भाग जो रेजिस्टेंस शो कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस शो कर रहा नहीं है, क्योंकि यह सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस इस डायोड के साथ हम मेजर कर रहे थे, लेकिन इसको ओपन कर दिया सर्किट में से तो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो डायोड हमारा सही है, वन टाइप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बता रहा है, इसमें एक साइड रेजिस्टेंस शो होना चाहिए, एक साइड रेजिस्टेंस शो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए इसी तरह आप डायोड निकाल के भी चेक कर सकते हो। दूसरा डायोड चेक कर लेते हैं हम, ये भी सही है, एक साइड रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इसी तरह आपको जब रेजिस्टेंस चेक करना है मल्टीमीटर से, ये सब डायोड का ये पूरा डायोड चेक कर देना है। इसके बाद आपको पूरा कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर मैंने बताया इस तरह कि ये पूरा कैपेसिटर लगा, एक कैपेसिटर में आपको चेक करके बताता हूँ। देख लीजिए मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज में रख के ऐसे भी कंटिन्यू बजेगा, समझ लो डायोड हमारा कैपेसिटर ख़राब है, लेकिन ये कैपेसिटर ख़राब नहीं है हमारा। देख लीजिए ये क्या हो रहा है, मल्टीमीटर बैटरी से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसलिए 1-2 सेकंड ऐसे कंटिन्यू बजेगा, बाद में बंद हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू सतत बजेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूटी बजर समझ लो, ये अपने कैपेसिटर ख़राब है। तो ये कंटिन्यूटी बजर नहीं बज रहा है, तो हमारा कैपेसिटर सही है, किसी भी कैपेसिटर देख लीजिए। तो आपको पूरा कैपेसिटर बता दिया, यहाँ पे पूरा सप्लाई बता, इस सर्किट में क्या फॉल्ट था, यहाँ पे एक डायोड ख़राब हो गया IN4001 जो रेक्टिफायर का डायोड है। तो इसमें से ये पावर सप्लाई बना हुआ, पावर सप्लाई यहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो यहाँ पे डायोड लगाना, यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर आप एप्लीकेशन थ्रू भी चेक कर सकते हो, लेकिन मल्टीमीटर चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे मल्टीमीटर की रेंज में यहाँ से देखना है, 200 ओम, 2K, 20K, 200K, 2 मेगा ओम तक रखना है। ये हमारा 3.3 के बताया रेजिस्टेंस, इसी तरह सब रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। ये भी हमारी एक कॉइल है, देख लीजिए ये कॉइल है, कॉइल हमारी क्या बताएगा, कंटिन्यूटी शो करेगा। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में रखते हैं, क्योंकि ये कॉइल है, कॉइल क्या होती है, ऐसी होती है कॉइल, कॉइल को कंटिन्यू रेंज में बजेगा, तो कंटिन्यू रेंज में कॉइल हमारी सही है। तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर है, ये हमको गलती से ट्रांसफार्मर मत समझना, ये हमारी कॉइल है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो आपको पता चल गया है पूरा डायोड क्या होता है, क्या पेड़ से चेक करते हो, रेक्टिफायर कैसे, ये कॉइल, ये IC, ये पूरा रजिस्टर देख लीजिए, रजिस्टर हम कंटिन्यू रेंज में रख के ये रजिस्टर हम इसको निकाल के ही आपको चेक करना है। तो पूरा रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, और यहाँ पे छोटा सा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला देख लीजिए TL431 है, ये 3.3 वोल्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे सप्लाई में 3.3 वोल्ट लेने के लिए ये हमारा TL431 जिनर की जगह जिनर की यूज़ कर रहा है। तो जिनर को ये जिनर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट फिक्स देता है, इनपुट 5 वोल्ट देंगे फिर आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये जिनर डायोड है, इसका ट्रांजिस्टर का नंबर TL431, और ये छोटा सा PF लगा हुआ है, आपको 104 का PF लगा हुआ है। तो PF जो DC सप्लाई को प्योर फिल्टर करने के लिए ये PF लगा हुआ है। तो इसी तरह आप देख सकते हो ASMPS है DD3D सेटअप बॉक्स का, इसका पूरा मैंने डिटेल बता दिया है। तो दोस्तों आप SMPS को घर पे भी इसी तरह मल्टीमीटर से चेक करके आप ये SMPS रिपेयर कर सकते हो।
तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये वीडियो आपको यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने हमारी ये चैनल MDM टेक टू विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।